बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों के बारे में पढ़ा है। जब आपने धातु के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि धातुओं में कुछ समानताएं भी होती हैं और कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। इसी प्रकार से आपने धातु के रासायनिक गुणों के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में भी पढ़ा है। रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एक और अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों, आज हम इस विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर धातुओं के रासायनिक गुणों को जानने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 6 परख नलियाँ, जिसको मैंने पहले से नामांकित करके रखा है, अ, ब, स, द, ई और फ। पहली 2 परख नलियाँ हैं जिसमें मैंने कॉपर सल्फेट का विलयन बनाया है, कॉपर सल्फेट CuSO4, जिसमें कॉपर एक धातु है। इसी प्रकार से स और जो द परख नली है, इसमें मैंने जिंक सल्फेट का विलयन बनाया है, ZnSO4, जिसमें जिंक एक धातु है। जो ई परख नली है, इसमें फेरस सल्फेट का विलयन बना है, FeSO4, जिसमें आयरन एक धातु है। और फ परख नली जिसमें सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसमें सोडियम एक धातु है, का विलयन बना के रखा है। इसके साथ साथ हमने कुछ अल्पिन ली हैं, दानेदार जिंक लिया है, तांबे की छीलन ली है और मैग्नीशियम रिबन के कुछ टुकड़े लिए हैं। तो चलिए अपरख नली में हम कुछ अल्पिन डाल देते हैं। इस अल्पिन को मैंने धागे से बांध के रखा है ताकि इसमें होने वाले परिवर्तन को हम निकाल के देख सकें। तो इसे डाल देते हैं। ब परख नली में हम दानेदार जिंक डालेंगे, स में तांबे की छीलन, द परख नली में मैग्नीशियम रिबन के कुछ टुकड़े परख नली में और F परख नली, इन दोनों में हम दानेदार जिंक डालते हैं। तो बच्चों, इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि इसमें होने वाले परिवर्तन को हम देख सकें। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमने जो इसे 5-10 मिनट के लिए रखा था, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं। पहली परख नली जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें हमने कुछ अल्पिन डाली थी। चलिए इसको निकाल के देखते हैं। अरे वाह, ये जो लोहे की अल्पिन थी, इस पर तो तांबा जम गया है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोहे की पिन, जो कि आयरन एक धातु है, आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि आयरन कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है, जिसके कारण हमें ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। दूसरी परख नली, इसमें हमने कुछ दानेदार जिंक डाली थी। अब हम देख सकते हैं कि दानेदार जिंक के ऊपर भी कॉपर की परत, तांबे की परत हमको दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? इसका अर्थ यह है कि जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट में कॉपर को विस्थापित किया। जिंक कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है, जिसके कारण यहाँ पर भी हमको इस प्रकार का परिवर्तन दिखाई दिया। अब हम देख सकते हैं तीसरी परख नली, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये अभी भी वैसी दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक सल्फेट में जो जिंक धातु है वो कॉपर से ज़्यादा सक्रिय रही, जिसके कारण कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सका, इसलिए ये अभी भी वैसा ही दिखाई दे रहा है।
द परखने ली, इसमें जिंक सल्फेट का विलयन था और मैग्नीशियम फीते के कुछ टुकड़े थे। मैग्नीशियम जिंक सल्फेट के विलयन से क्रिया किया जिससे मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण हुआ और इस प्रकार से यहाँ पर भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम जिंक से ज़्यादा सक्रिय है। ई परख नली, इसमें आयरन सल्फेट और दानेदार जिंक लिया था हमने, तो हम देख सकते हैं कि आयरन सल्फेट का जब हमने विलयन बनाया था थोड़ा सा हरा दिख रहा था, लेकिन अभी ये कलरलेस हो गया है, मतलब इसमें परिवर्तन हुआ। इसका अर्थ ये है कि जिंक धातु जो है वो आयरन से ज़्यादा सक्रिय है, इसलिए यहाँ पर हमको परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अब जो फ परख नली है, इसमें हमने सोडियम क्लोराइड और दानेदार जिंक लिया था, इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है, ये अभी भी वैसा ही है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सोडियम क्लोराइड की जो सोडियम धातु है वो जिंक से ज़्यादा सक्रिय है, इसलिए जिंक सोडियम को विस्थापित नहीं कर सका, इसलिए इसमें हमको कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ धातुएं अधिक सक्रिय हैं तो कुछ धातुएं कम सक्रिय हैं, इस प्रकार से सक्रियता की एक श्रेणी यहाँ पर बन जाती है। तो ऐसी धातुएं जो विलयन में से दूसरी धातु को विस्थापित कर देती है उसे हम सक्रिय धातु कहते हैं। बच्चों, कुछ धातुओं की उनकी सक्रियता के आधार पर एक श्रेणी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस सारणी में उपस्थित प्रत्येक धातु उसके नीचे में उपस्थित धातु से अधिक सक्रिय है, इसलिए प्रत्येक धातु उसके नीचे की धातुओं को रासायनिक अभिक्रिया में आसानी से विस्थापित कर लेती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि लिथियम, जिसे सबसे ऊपर में रखा गया है, अब आप बताइए इसे सबसे ऊपर में क्यों रखा गया है? क्योंकि ये सबसे अधिक क्रियाशील है, और जैसे ही हम नीचे देखते हैं तो सबसे नीचे में किसे रखा गया है? प्लैटिनम को। तो बताइए प्लैटिनम को नीचे क्यों रखा गया है? बिल्कुल सही, क्योंकि प्लैटिनम सबसे कम क्रियाशील है। इस प्रकार से क्रियाशीलता की एक श्रेणी बन जाती है, और जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं क्रियाशीलता कम होती जाती है। तो बच्चों, आप भी कुछ धातुओं के साथ यह अभिक्रिया करिए और सक्रियता श्रेणी बनाकर देखिए।